हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिसिस किंजल पंचाल, आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप यू आर वेरी फाइन इन योर होम, ओके, एंड डूइंग वेल एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल कंटिन्यू योर इंग्लिश ग्रामर, ओके। इन दिस वीडियो योर न्यू चैप्टर इज एडजेक्टिव, ओके। आपका नया चैप्टर जो है वो एडजेक्टिव है, ओके। आप सब लोग घर पर ठीक होंगे बच्चों, दिवाली का वक्त है, ओके, हैप्पी न्यू ईयर। एडजेक्टिव मीन्स नया चैप्टर है, 7 चैप्टर तक दिवाली के पहले हो चुका है आपका, ओके। तो ये एडजेक्टिव एक नया चैप्टर है, ओके। सो लिसन केयरफुली, ओके। सो एडजेक्टिव, जैसे गर्ल है, लेकिन गर्ल ऐसा, सी इज अ गर्ल, ओके, वो एक लड़की, पर लड़की है, पर कैसी लड़की है, तो ऐसा बोल, सी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज अ क्लेवर गर्ल, सी इज अ काइंड, ऐसा हम कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल जो ऐड करते उसको एडजेक्टिव, मतलब उसके बारे में कुछ बताते, ओके, उसको एडजेक्टिव बोलते, ओके, यानी कुछ विशेष, उसके बारे में कुछ विशेष, विशेषता होती है जो उसकी, विशिष्टता जिसको बोलते हैं, ओके, वो होता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, ओके। तो स्टूडेंट्स, आपको नया चैप्टर, नया पेज, यू नो वेरी वेल, ओके, ये रूल्स ही है, नया पेज, नया चैप्टर, ओके। सो आपको ये वाला अपने पेज पे लिखना है, नया पेज पे, ओके, नोटबुक, इंग्लिश ग्रामर की जो आपके नई अलग से नोटबुक बनाई उसमें, ओके। तो एडजेक्टिव है, इसकी ये डेफिनेशन है, देखो, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे डिस्क्राइब नाउन्स, ओके। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे डिस्क्राइब नाउन्स, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब उसके बारे में कुछ बताने के जो वर्ड्स यूज़ करते, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए तो मैं आपको बताती हूँ, ओके, क्योंकि इससे आपको एकदम फास्टली आप अंडरस्टूड हो जाते, ओके। जैसे द मैंगोज आर, लेकिन मैंगोज है, लेकिन कैसे है, राइप, राइप मतलब पके, मैंगो, मैंगो है, लेकिन कैसे मैंगो, कच्चे या पके, तो यार द मैंगोज आर राइप, यानी जो राइप है वो एडजेक्टिव हुआ, ओके, एडजेक्टिव, यानी मैंगो है लेकिन कैसे, राइप। अ पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, अ पीकॉक इज अ बर्ड, समझो, अ पीकॉक इज अ बर्ड, पीकॉक है वो एक बर्ड है, लेकिन वो कैसा बर्ड है, पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है, ओके, समझ में आ गया। अ कोकोनट ट्री इज, अ कोकोनट ट्री इज, कोकोनट ट्री है लेकिन कैसा है, टॉल, कोकोनट ट्री है लेकिन कैसा है, टॉल, ओके। तो ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषता, उसमें जो विशेषता होती है वो बताने का, ओके। अब यहाँ देखो, द ग्रास इज ग्रीन, द ग्रास इज ग्रीन, तो ग्रास है लेकिन कैसा है, ग्रीन, ओके, ग्रास है पर कैसा है, ग्रीन। अ माउस इज अ टीनी एनिमल, माउस एक एनिमल है लेकिन कैसा एनिमल है, टीनी, अ माउस इज अ टीनी एनिमल, यानी माउस इज अ एनिमल, चलो समझो, अ माउस इज अ एनिमल, माउस एक एनिमल है लेकिन कैसा है, माउस इज अ टीनी एनिमल, ओके, टीनी एनिमल। सी इज अ फैट वूमन, सी इज अ फैट वूमन, वूमन है लेकिन कैसी है, फैट, ओके, मोटी, तो स्त्री है लेकिन कैसी है, फैट, जैसे आप थर्ड में हो तो किसी एक का नाम, बच्चे का नाम ले, जैसे आप रुद्र नाम है, रुद्र या ध्रुव, कोई, रुद्र इज अ बॉय, रुद्र इज अ बॉय, अगर ऐसा बोलते, रुद्र इज अ क्लेवर बॉय, रुद्र इज अ ब्रिलियंट बॉय, रुद्र इज अ बॉय बोलो और रुद्र इज अ ब्रिलियंट बॉय बोलो, दोनों में फर्क होगा, क्योंकि उसमें उसमें तो सिर्फ रुद्र एक लड़का है, ऐसा बोलो कि रुद्र एक दिमाग वाला बुद्धिशाली लड़का है तो कितना अच्छा लगेगा, वो वाला दूसरा वाला सेंटेंस ना, तो वो विशेषता बताते कि रुद्र कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, वो इंटेलिजेंट है, ऐसा, ओके। चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट, आपको एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में लिखना है, ओके, देखो ये ए एक्सरसाइज है, ओके, ए वाली, ऐड सूटेबल एडजेक्टिव्स टू द फॉलोइंग नाउन्स, ओके, ये नाउन्स के आगे हमें सूटेबल एडजेक्टिव जो यहाँ
को दिया है पट्टी में, देखा यहाँ से ही हमें लेना है। ओके अब देखो, याद रखना एन वाला हो ना, यहाँ ध्यान रखने का, एन वाला जो भी हो ना, ए एन एन वाला, आपको पता है ना एन वाला होता है तो पीछे वॉवेल्स वाला ही आए। ओके जैसे एन एन तो इजी सम, अ रेनी डे, ओके इसमें से ही लिया है, अ कंफर्टेबल हाउस, अ क्लेवर बॉय, अ बॉय अ क्लेवर बॉय, यानी आप ये ऐड करने से क्या होता है उसकी विशेषता बताते हैं हम लोग। ओके विशेषता जिसको बोलते हैं, ओके कुछ ज़्यादा डे है लेकिन कैसा है रेनी, शॉम है लेकिन कैसा है इजी, हाउस है लेकिन कैसा है कंफर्टेबल, कोई कोई हाउस होता है कंफर्टेबल नहीं फील करते हम लोग, जग जग है लेकिन कैसा है एम्प्टी, और प्रिटी डॉल, डॉल है लेकिन कैसी है प्रिटी, और न्यू ट्रेस, और स्मो एनिमल्स, और बिग पैलेस, और यंग मैन। ओके तो मैन है लेकिन यंग है, ओके उस तरीके से आप विशेषता बताओगे तो उसके बारे में हमें कुछ जानने को मिलेगा। ओके समझ में आया। नाउ बी, बी में भी ऐसा ही है, आपको बाजू में ही दिया है उसमें से आपको ढूंढ के लिखना है, ए एन हो तो समझ लेना कि पीछे वॉवेल्स वाला ही वर्ड्स आएगा। ओके यानी वॉवेल्स से स्टार्ट हो, जो देखो यहाँ ए एन एन है तो यहाँ वॉवेल्स आई से स्टार्ट हुआ होने वाला वर्ड्स लिया हमने, देखा पर देखना पड़ता है। ओके बच्चों देखना पड़ता है। ओके जैसे मैं यहाँ एकदम इजी है, चूज अ सुटेबल एडजेक्टिव टू कम्प्लीट द सेंटेंस, हमें यहाँ से चूज करना है जो मैंने पहले से करके रख दिया है। फर्स्ट है मीना स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके मीना क्लास में फर्स्ट आई है क्योंकि वो इंटेलिजेंट गर्ल है। ओके दिस शूज कॉस्ट 1000, ये शूज की कीमत कितनी है 1000, दे आर वेरी कॉस्टली, दे आर कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगे हैं। टर्न ऑन द फैन, फैन चालू करो, टर्न ऑन द फैन, इट्स हॉट, बहुत गर्मी है, फैन क्यों चलने का करेगा क्योंकि हॉट है गर्मी है। ओके देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट्स अ क्लाउडी डे, स्काई में यानी आकाश में ब्लैक क्लाउड्स जो बादल होते हैं ब्लैक कलर के वो है, तो बोले क्लाउडी डे है आज, यानी बादलों बादलों का डे है आज, पूरे दिन बादल बादल। फाइव अ काउ गिव्स अस मिल्क, इट इज अ यूजफुल एनिमल, काउ हमें मिल्क देता है तो वो कैसा एनिमल है, एनिमल है लेकिन कैसा एनिमल है यूजफुल। सिक्स सोनू डज नॉट ईट वेल, सो ईट ही इज थिन, सोनू अच्छी तरह से खाना नहीं खाता। ओके सोनू डज नॉट ईट वेल, वो अच्छा खाना अच्छे तरह से खाना नहीं खाता इसलिए वो पतला है। ओके थिन मीन्स पतला है। ओके सेवन नंबर का है ससी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, ससी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स ही सेड, ससी ने अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे, ससी को अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे तो वो दुखी थी, वो कैसी थी दुखी थी, सेड। एट नंबर का देर आर मैनी रूम्स इन अवर हाउस, इट इज बी, देर आर मैनी रूम्स इन अवर हाउस, इट इज बिग। नाइन नंबर का आई वॉन्ट सम वॉटर, आई वॉन्ट सम वॉटर, आई एम थर्स्टी। टेन नंबर का माई फ्रेंड हेल्प्स मी, माई फ्रेंड हेल्प्स मी, सी इज वेरी काइंड, सी इज वेरी काइंड, बहुत भली है। सी नंबर का सी फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स, ओके फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स, जैसे कैमल के बारे में, और कैमल इज अ एनिमल, चलो ये छोड़ दिया हमने, और कैमल इज अ एनिमल, कैमल एक एनिमल है प्राणी है, ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगेंगे या तो, और कैमल इज अ टॉल एनिमल, इन टॉल एक एडजेक्टिव हुआ। ओके सो एनिमल्स कैमल के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है, यानी कैमल है एनिमल है लेकिन कैसा एनिमल है टॉल एनिमल, यानी ऊंचा हाइट वाला होता है जो उसको, ओके टॉल एनिमल। इट हैज़ अ नेक, नेक है लेकिन कैसी है लॉन्ग, इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, यानी उनकी नेक तो है पर कैसी है लॉन्ग। ओके इट हैज़ थीन लेग्स, उसके लेग्स है लेकिन कैसे है थीन, ओके थीन मीन्स पतले, इट हैज़ थीन लेग्स, इट हैज़ अ बिग हम्प, बिग हम्प ऑन इट्स बैक। ओके तो ये बिग हम्प है जो खूंद बोलते हैं ना, इसी तरह सेकंड, सेकंड है गोविंद, गोविंद इज अ पुअर मैन, गोविंद मैन है लेकिन कैसा है पुअर,
गोविंद इज अ पुअर मैन, मैन है लेकिन पुअर है। ही वियर्स डर्टी क्लोथिस, वो कपड़े पहनता है लेकिन कैसे कपड़े पहनता है, डर्टी। ओके, ही वियर्स डर्टी क्लोथिस। ही लिव्स इन अ स्मॉल हट, हट है लेकिन कैसा है, स्मॉल, बट ही इज अ हैप्पी मैन। ओके नाउ थ्री, चलो थ्री नंबर का, ये बुक्स के बारे में, दिस इज अ बुक, चलो दिस इज अ बुक, ये बुक है लेकिन यहाँ क्या दिया है, दिस इज अ कॉस्टली बुक, ये महंगी बुक है। ओके दिस इज अ बुक, ये बुक है ऐसा आएगा, और दिस इज अ कॉस्टली बुक यानी ये महंगी बुक है। इट हैज़ कलरफुल पिक्चर्स, इट हैज़ कलरफुल पिक्चर्स। ओके द लैंग्वेज इज सिंपल एंड क्लियर, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड क्लियर। इट कंटेंस यूजफुल इंफॉर्मेशन, ओके इट कंटेंस यूजफुल इंफॉर्मेशन। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, ओके इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। सो स्टूडेंट्स, आप हम आज यहाँ तक ही कंप्लीट करें, ओके इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम डी। ओके सो बाय।